बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान से अलहदगी के बाद अदाकारा मलाइका अरोड़ा पर क्या बीती? मलाइका का तलाक के बाद का अरसा कैसा गुजरा? तलाक के बाद मलाइका ने अपने बेटे की परवरिश कैसे की? मलाइका को तलाक किस साल में हुई? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान से अलहदगी के बाद मलाइका अरोड़ा पर क्या बीती? अदाकारा मलाइका ने आखिरकार अपनी दास्तान सुना ही दी। भारत में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने कहा कि तलाक के फौरी बाद का अरसा इंतहाई खौफजदा कर देने वाला था। इस अरसे में मैंने खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस किया। मलाइका अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ तलाक का सदमा और दूसरी तरफ अपने बेटे के अकेले परवरिश की जिम्मेदारी थी। अरबाज खान से अलहदगी के बाद का वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा आजमाइश का वक्त था। मैंने इस मुश्किल तरीन वक्त में बहुत कुछ सीखा भी है। याद रहे कि मलाइका अरोड़ा का अज़दवाजी रिश्ता अरबाज खान के साथ 19 साल तक कायम रहा और इनकी शादी को बॉलीवुड की कामयाब तरीन शादियों में शुमार किया जाता था। ताहम साल 2017 में अचानक इनकी तलाक की खबर ने इनके मद्दाहों को सोगवार कर दिया था। इस वक्त बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा तलाक के बाद बेटे अरहान खान की अकेली परवरिश कर रही हैं। लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड अदाकार अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो अक्सर औकात मुख्तलिफ पार्टीज में एक साथ भी देखे गए हैं। क्या बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा और अदाकार अरबाज खान के दरमियान तलाक होनी चाहिए थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।